नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दक्षिण पश्चिमी मानसून के सितंबर के पहले सप्ताह में वापसी के चरण में प्रवेश करने की संभावना है, जो सामान्य तिथि से लगभग एक पखवाड़ा पहले होगा। इधर दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है, वहीं झारखंड के कुछ जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश होने की प्रबल संभावना है। दिल्ली में शुक्रवार को मौसम गर्म और उमस भरा रहा। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। इसी बीच मौसम विभाग ने शनिवार के लिए यानी आज अपने पूर्वानुमान में बताया है कि तेज हवाएं चलने के साथ ही आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। मानसून की टर्फ रेखा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पिलानी, बरेली, गोरखपुर, पटना, खड़गपुर, दीघा से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शेष हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के शेष हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, बिहार के कुछ हिस्सों, सिक्किम, उत्तरी पश्चिम बंगाल और पूर्वी असम में हल्की बारिश देखी गई है। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के हिस्से, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश संभव है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के शेष हिस्सों, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दक्षिणी राजस्थान में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने की संभावना है, जो सामान्य तिथि से लगभग दो सप्ताह पहले है। सामान्य तौर पर मानसून 17 सितंबर से वापस जाना शुरू होता है। आज मौसम समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।